आज की कहानी है अहंकार का फल। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति वह उसका प्रेम अत्यंत था। इसके कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को ही समर्पित कर दिया। एक बार इतना परंपरागत हो गया था कि उसकी बनाई गई मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। उसकी कला के चर्चे गांव-गांव और शहर-शहर तक होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा कि होता है वैसा ही उस मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार आ गया और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति खोजने लगा। वह किसी भी तरह अपने आप को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। उसने एक युक्ति सूझी और उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवित प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं कर रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे उन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरी की मूर्तियों को देखकर वह चकित रह गया। वह इन मूर्तियों में अंतर कर पाने में समर्थ नहीं था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों में के मध्य मूर्तिकार छिपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना, और प्रकृति के नियम के विरुद्ध अगर वह गया तो यमराज उसे दंड देगा। तो वह मूर्तिकार का अंत समय भी अब आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए उस यमदूत ने हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान होता और वह कला का अपमान करना नहीं चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही नियम निकाला। उसे यह पता था कि मूर्तिकार को अहंकार का बोध था, अतः उसने उसके अहंकार पर चोट करते हुए बोला कि वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्यता का अद्भुत संगम हैं, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया और उससे रहा नहीं गया, और वह झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला कि त्रुटि असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन हो रहती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसे मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े, यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस ही नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण लेकर यमलोक चला गया। सीख: अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी अपने पर हावी ना होने दें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।